हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आप ही के चैनल ट्रेडर जोन में आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में आज तो वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई होगी क्योंकि एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है वोडाफोन आइडिया में ये गिरावट कहां तक कंटिन्यू हो सकती है और इसके रिलेटेड क्या न्यूज़ निकल कर आई है जिसकी वजह से ये बड़ी गिरावट हुई है हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स और देखेंगे शेयर होल्डर्स को क्या करना चाहिए इस समय क्या उन्हें बेचकर एग्जिट हो जाना चाहिए या उन्हें होल्ड करके चलना चाहिए आपके सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे अगर आप वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्ड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एंड तक बने रहिए उससे पहले जल्दी से एक रिमाइंडर दे देता हूं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए सबसे पहले तो हम इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं ये अभी ट्रेंड कर रहा है ट्वेल्व रुपीज़ ट्वेंटी पैसे पर अगर हम परसेंटेज में देखें तो लगभग एटीन का बड़ा फॉल हुआ है बड़ी गिरावट हुई है वोडाफोन आइडिया में उसके पीछे एक बड़ी रीजन निकल कर आई है फ्रेंड्स क्या निकल कर आई है वो भी हम आगे देखेंगे जैसे कि मैं लगातार आपसे कह रहा था वोडाफोन आइडिया का शेयर शेयर होल्डर्स को एक रोलर कोस्टर राइड पर लेके जा रहा है कभी ऊपर कभी नीचे ये शेयर जो लगभग छह रुपए तक भी पहुंच चुका था वो हाइयर हाई बनाता हुआ सत्रह रुपए तक भी पहुंच गया था और दोबारा से एक डिप देखने को मिल रहा है वोडाफोन आइडिया में और जिस तरह का माल बिका है आज आप देख के चौक जाएंगे फ्रेंड्स अगर आप ऑर्डर बुक में देखेंगे तो नाइन करोड फिफ्टी सिक्स लैख सिक्सटी एट थाउजेंड की सेल ऑर्डर लगे हुए हैं और बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं सिक्स करोड़ फोर्टी टू लैक्स सेवेंटी वन थाउजेंड के इसने अपना फिफ्टी टू वीक हाई लगाया था सिक्सटीन रुपीज एटी पैसे पर जो था थर्टीन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा था गवर्नमेंट का उसे देखते हुए कई लोगों ने जमकर बाइंग की थी इस वोडाफोन आइडिया में और न्यूज़ भी निकल कर आ रही थी सरकार इस कंपनी को बचाना चाह रही है क्योंकि उन्हें डिओपली नहीं चाहिए अगर वोडाफोन बंद हो जाता है तो मार्केट में सिर्फ दो ही बड़े प्लेयर रहेंगे एक है रिलायंस जियो और दूसरा है एयरटेल इस कंपटीशन को बरकरार रखने के लिए सरकार का सपोर्ट तो मिला है लेकिन ये कंपनी काफ़ी लॉस में चल रही है और उन्हें एक बड़े अमाउंट का बकाया है जो पे ना करने के कारण ये कदम उठाना पड़ा है यहाँ आप देख सकते हैं ट्रेडेड क्वांटिटी 128 करोड़ 17 लाख की क्वांटिटी ट्रेड हुई है और डिलवरी ठाई गई है 40 करोड 68 लाख 56,000 की अगर हम परसेंटेज में देखें तो 31.74 परसेंट की डिलीवरी ठाई गई है आज कई दिनों के बाद एक बड़ी मात्रा में क्वांटिटी ट्रेड हुई है और उसका असर वोडाफोन आइडिया के शेयर पर भी दिख रहा है ये लगभग एटीन टूट चुका है फ्रेंड्स चलिए अब हम बी पर भी देख लेते हैं यहाँ क्वांटिटी ट्रेडेड है 14 करोड़ 48 लाख 58,000 की क्वांटिटी ट्रेड हुई है और डिलीवरी उठाई हाँ गई है फाइव करोड़ थर्टी टू लैक्स सिक्सटी फोर थाउजेंड की परसेंटेज में देखें तो थर्टी सिक्स पॉइंट सेवन सेवन परसेंट की डिलीवरी उठाई हाँ गई है चलिए अब हम वॉल्यूम एनालिसिस भी कर लेते हैं यहाँ आप देख सकते हैं वन मंथ का एवरेज है थर्टी नाइन करोड्स वन वीक का एवरेज थर्टी करोड़ और कल इसमें ट्वेंटी फाइव करोड्स का वॉल्यूम था और आज वन सिक्सटी करोड़स का वॉल्यूम है आज जमकर सेलिंग हुई है फ्रेंड्स जिसकी वजह से आपको ये पर्टिकुलर शेयर लगभग ट्वेंटी परसेंट तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा था इस समय शेयर होल्डर्स को क्या करना चाहिए वो भी हम आगे देख लेते हैं उससे पहले हम न्यूज को समझ लेते हैं क्या निकल कर आई है आप यहाँ देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया रेस्क्यू प्लान मेक्स गवर्नमेंट लार्जेस्ट शेयर होल्डर वोडाफोन आइडिया ने एक मीटिंग कंडक्ट की है उसमें एक डिसीजन लिया गया है और इनके मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट को अपना स्टेक दे देंगे जो कि लगभग थर्टी है यहाँ आप देख सकते हैं थर्टी और ये भारत का तीसरा लार्ज वायरलेस फोन ऑपरेटर है और एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की गई थी उस बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है 35.8 परसेंट का स्टेक गवर्नमेंट को दे देंगे चलिए अब हम 10 पॉइंट्स में समझ लेते हैं क्या क्या निर्णय लिए गए हैं मीटिंग में और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है वोडाफोन आइडिया ने निर्णय लिया है इनका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है जो इन्होंने स्पेक्ट्रम ऑक्शन इंस्टॉलमेंट पे लिया था उसे रीपेमेंट करने के लिए इतना बड़ा अमाउंट जुटा नहीं पा रहे हैं और ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया काफ़ी लॉस में चल रहा है उसे देखते हुए बोर्ड मीटिंग में गवर्नमेंट को अपना लगभग 36 परसेंट का स्टेक देने के लिए निर्णय लिया गया है और इस फैसले से गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेक होल्डर बन जाएगा यानी कि जो एक्चुअल ओनर थे वोडाफोन आइडिया के उनसे भी बड़ा स्टेक होल्डर बन जाएगा वोडाफोन आइडिया में अगर आप दूसरा पॉइंट देखें वोडाफोन ग्रुप के प्रमोटर की होल्डिंग रहेगी ट्वेंटी और आदित्य बिरला ग्रुप का होल्डिंग रहेगा सेवनटीन अगर आप थर्ड पॉइंट देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू दी कंपनीज़ एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ़ इंटरेस्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अबाउट सिक्सटीन थाउजेंड करोड्स इस कंपनी का इंटरेस्ट ही सिर्फ सिक्सटीन थाउजेंड करोडस है फ्रेंड्स प्रिंसिपल अमाउंट तो बाजू लगाइए इसका सिर्फ इंटरेस्ट ही सिक्सटीन थाउजेंड करोड्स है तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है फ्रेंड्स उसे देखते हुए शायद मैनेजमेंट ने यह निर्णय लिया है आपको तो पता ही है वोडाफोन आइडिया ये दोनों अलग अलग कंपनीज़ थे तो इसे मर्ज कर कर वोडाफोन आइडिया बना था ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया ने 7854 करोड़ गवर्नमेंट को पे कर दिया है पे करने के बावजूद इन्हें 50,000 करोड़ का और बकाया बाकी है जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा था फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर कंपनी फंडामेंटली वीक है और मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा था इसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए आपको मार्केट के टॉप लीडर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो ये लगभग 19 परसेंट टूट चुका था जब यह न्यूज़ निकल कर आई थी अगर हम आगे देखेंगे तो ये शेयर बारह रुपये पाँच पैसे तक टूट चुका था जैसे ही मार्केट में न्यूज़ निकल के आते ही सभी शेयर होल्डर्स ने अपना माल बेचना स्टार्ट कर दिया था जिसकी वजह से आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है वोडाफोन आइडिया में अगर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो आपको तो पता ही है जब से मार्केट में रिलायंस जियो आया है तब से टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के लाले पड़े हुए हैं एयरटेल को भी सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है जब से रिलायंस जियो मार्केट में आया है अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो इसलिए उनके इतने बकाया है क्योंकि गवर्नमेंट का जिस तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा था फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने तो कहा था मार्केट में कम से कम तीन कॉम्पिटिटर रहने चाहिए उसे कंसिडर करते हुए इनका मॉरिटोरियम भी बढ़ाया था लेकिन लगता है मैनेजमेंट काफ़ी टूट चुकी है और उन्हें लगता है कि ये अपने ड्यूज़ पे नहीं कर पाएंगे बोर्ड ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है इस तरह का स्टेप लेने वाले हैं और ये एक डॉक्यूमेंट में डीओटी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ़ टेली को प्रेजेंट की जाएगी जल्द से जल्द और डीओटी का कंफर्मेशन मिलने के बाद इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा और आपकी जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड्स जो फ़ेस वैल्यू पर ये शेयर बेचे गए हैं गवर्नमेंट को वो है दस रुपये दस रुपये के फेस वैल्यू पर गवर्नमेंट को ये शेयर बेचे गए हैं अगर ये टूटता भी है तो दस रुपये तक आकर वहाँ से बाउंस बैक हो सकता है वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स को इस समय डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट को हैंड किया जाएगा अगर गवर्नमेंट इसे सही दिशा में लेके जाएगी तो इस कंपनी के वारे न्यारे हो जाएंगे अगेन फ्रेंड्स अगर ये टूटता भी है तो ये टेन रुपीज़ के नीचे नहीं जाएगा तो हमें ये बात को समझनी होगी और अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो इसे होल्ड करके चल सकते हैं यह मामला सेटल होने के बाद दोबारा से एक तेज़ी पकड़ता हुआ दिख सकता है वोडाफोन आइडिया फ्रेंड्स ये तो मेरे व्यूज़ थे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइज़ लेकर इन्वेस्ट कीजिए अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कर कर करिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह से अपडेट सबसे पहले मिले